तभी हम देखते हैं वहाँ पे पायु आ जाता है। तो यहाँ पे वो पूछता है पायु क्या हुआ। रेनू उसे बताता है मेरी कार ख़राब हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। यहाँ पे याद आ जाता है पायु को कि तुम तो रेन हो ना। रेन कहता है हाँ। वो कार को देखने लगता है, इसी चक्कर में दोनों थोड़े क्लोज आ जाते हैं। यहाँ पे कहता है पायु क्या तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो, अगर ऐसा कर रहे हो तो अगली बार अच्छे से करना। यहाँ पर हम देखते हैं पायु उसकी कार चेक करता है, कहता है कार काफ़ी ख़राब है, इसे गैराज ले जाना होगा, लेकिन बारिश की वजह से नहीं ले जा सकते, इसलिए मॉर्निंग तक तुम्हें यहीं पे वेट करना होगा। और वो वहाँ से जाने लगता है। उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है रेन और उससे कहता है प्लीज़ मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ, क्या तुम मुझे किसी गैराज के बारे में बता सकते हो जहाँ पे मैं अपनी कार को ले जा सकूँ। यहाँ पर उसे कहने लगता है पायु एक गैराज के बारे में मुझे पता है, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। यहाँ पर रेन कहता है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं पायु एक पर्सन को कॉल करके उसे कार ले जाने के लिए बोलता है। यहाँ पर सोचने लगता है रेन कि आई थिंक इतना बुरा भी नहीं है पायु, मैंने गलत सुना था थोड़ी देर पहले। वहाँ से जाने लगता है पायु तो उसे रोकता है रेन और कहता है कहाँ जा रहे हो तुम। पायु कहता है मैं अपनी बाइक लेने जा रहा हूँ और वो स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं पायु अपने साथ लेके आ जाता है रेन को अपने प्लेस पे। रेन यहाँ पे उसे थैंक्स बोलता है और फिर सोचता है इसका शायद मुझे पता चल गया है पायु के फैमिली बिजनेस के बारे में, क्योंकि उसकी फैमिली एक लग्जरी गैराज चलाती है। यहाँ पर रेन कहता है तुम्हें मुझसे फीस के बारे में बात करनी थी ना, तो बताओ। पायु से कहता है मेरे पास आके बैठो। वो वहाँ पे आके बैठ जाता है तो पायु से कहता है लो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ तुम्हारे हेयर्स को ड्राई करने में। वो यहाँ पे उसके हेयर को ड्राई करने लगता है। हम देखते हैं तभी यहाँ पे पायु उसकी नेक पे किस करता है। रेनू से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। एकदम से पायु उसे बेड पे गिरा देता है। रेनू से कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। पायु उससे कहता है मैं अपनी फ़ीस कलेक्ट कर रहा हूँ। वो उसके क्लोज जाने लगता है। रेनू से कहता है क्या तुम गे हो। पायु कहता है एक्चुअली मैं बाइसेक्सुअल हूँ और पहली बात तुमने मुझे सबसे पहले अप्रोच करना शुरू किया है। रेन कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। पायु उसे कहता है तुम्हारी कार खराब हो गई, तुमने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और पूरी पार्टी में सिर्फ तुम मुझे ही देखे जा रहे थे। तो यहाँ पे हमें वो पार्टी वाला मोमेंट भी दिखाया जाता है। रेन उसे कहता है तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर उसकी बात नहीं सुनता पायु और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करने लगता है। रेन कहता है अपने ऊपर मुझे कंट्रोल करना होगा, मैं ये सब कुछ नहीं होने दे सकता। ओह माय गॉड ये कितना हैंडसम है। और फिर एकदम से उसे अपने से दूर करता है और कहता है ऐसा मत करो। पायु उससे कहता है ज़्यादा हार्ड प्ले करने की कोशिश मत करो, तुम मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पे आए हो। वो उसे फिर टच करने लगता है। यहाँ पे उसे रोकता है रेन और अपने से दूर कर देता है और कहता है ये सब कुछ मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच के आया हूँ यहाँ पे, अगर तुम मुझे कुछ पैसे दोगे ना तब भी मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करने वाला। और वो वहाँ से जाने लगता है। उसे रोकता है यहाँ पे पायु कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते और उसे एक प्लो देता है और कहता है चुपचाप यहाँ पे सो जाओ, वैसे भी अब मैं मूड में नहीं हूँ। यहाँ पे उसे कहता है रेन मैं तुम्हें भरोसा कैसे कर लूँ। उसे कहता है यहाँ पे पायु कि मैं सोने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें यहाँ पे रहना तो चुपचाप रहो। हम देखते हैं पायु तो बेड पे सो जाता है, रेन वहाँ पे सोफे पे बैठा रहता है। वो वहाँ पे सोने की कोशिश भी करता है पर काफ़ी ठंड होती है तो वो सो नहीं पाता। वो चेक करता है कि पायु सोया है या नहीं। पायु सो जाता है तो रेन भी उसी के साथ बेड पे सो जाता है। मॉर्निंग में उसकी आंखें खुलती है तो वो काफ़ी हैरान होता है और अपने कपड़े चेक करता है, कहता है थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ। एकदम से यहाँ पे उठ जाता है पायु और उसे कहता है अगर तुमने कपड़े पहने हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है। और उसके क्लोज आने लगता है। यहाँ पे रेन उसे दूर करता है, कहता है मुझे टच मत करो और वो एकदम से बेड से नीचे गिर जाता है। पायु कहता है मैं तो सिर्फ ब्लैंकेट ले रहा था, ज़्यादा कुछ मत सोचो तुम। यहाँ पे उसे बैड वर्ड्स बोलने लगता है रेन। पायु उसे कहता है क्या कहा तुमने। रेन उसे फिर से असोल बोलता है। पायु कहता है तुम जाना चाहते हो कि असली असल कौन होता है। उसके क्लोज आने लगता है और कहता है क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। रेन कहता है नहीं मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा है। पायु उसके और क्लोज आता है तो रेन उसे धक्का देके डोर खोलने की कोशिश करने लगता है। पायु उसके क्लोज जाता है और उसे कहता है कि तुम इतने डम मत बनो, काफ़ी क्यूट लगते हो, और उसके चिक पे किस कर देता है। रेन इससे हैरान होता है। पायु डोर ओपन करता है, कहता है तुम्हें जाना नहीं है क्या, कंटिन्यू करना चाहते हो ये सब कुछ। एकदम से वहाँ से जाने लगता है रेन और कहता है मैं सबको बता दूंगा यूनिवर्सिटी में कि तुम कितने बेकार पर्सन हो। वहाँ से चला जाता है रेन तो। लेकिन यहाँ पे जो होता है पायु वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लगता है। यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं रेन को जो कि वेदर को देखकर चिल्ला रहा होता है। यहाँ पे उसे कहता है स्काई क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलूं। रेन कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्काई उसे कहता है लास्ट वीक जब से तुमने पार्टी अटेंड किया ना तब से तुम क्रेजियों की तरह बिहेव कर रहे हो, सबसे फाइट कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है ये सब कुछ तुम पायु की वजह से कर रहे हो। यहाँ पर रेन उसे कहता है उसका नाम भी मत लो मेरे सामने। स्काई उससे कहता है पता नहीं तुम्हारे बीच क्या हुआ है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ पायु काफ़ी अच्छे सीनियर है। रेन उसे कहता है अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है ना तो ये सब बातें करना बंद कर दो।
और उसके बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, ना ही उसकी बात करना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं रेन के पास कॉल आता है। वो पर्सन उसे कहता है कि आपकी कार ठीक हो गई है, आप अपनी कार लेके जा सकते हैं। यहाँ पे रेन कहता है स्काई से कि मेरी कार गैराज में है, मुझे उसे लेने जाना होगा। स्काई कहता है सो वॉट। रेन कहता है इसका मतलब मुझे फिर से पी पायू से मिलना होगा। आई एम गॉन क्रेजी, मैं क्या करूँ। यहाँ पे उसकी ये बात सुन के हंसता है स्काई। स्काई उसे कहता है एक बात बताता हूँ, एक किटी है जो कि एक टाइगर से फाइट करने की कोशिश कर रही है, अब आगे अंजाम क्या होगा ये तो तुम अच्छे से जानते हो, मैं क्या बताऊँ इस बारे में। और वो कहता है मैं क्लास अटेंड करने जा रहा हूँ, और उसे बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे रेन इस बात से परेशान होता है कि उसे फिर से पायू से मिलना होगा। उसके बाद हम उसे गैराज में देखते हैं, जहाँ पे वो अपना वॉलेट चेक करता है कि कितनी पेमेंट करनी होगी। तभी वहाँ पे एक और मैकेनिक आ जाता है और कहता है ये तो पायू के बॉय हैं, इनसे क्या पेमेंट लेनी। यहाँ पे रेन मना भी करता है कि नहीं मैं उसका बॉय नहीं हूँ, लेकिन वो मैकेनिक मानता ही नहीं है और कहता है उस दिन आपकी कार को मैं ही लेके आया था, मुझे आपके बारे में अच्छे से याद है। और वो उनसे कहता है चलिए मैं आपको आपके कार के पास लेके जाता हूँ। यहाँ पे वो रेन को उसकी कार दिखाता है और कहता है हमने काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज किया है। यहाँ पे ये सब कुछ देख के रेन उससे कॉस्ट पूछता है। तो यहाँ पे वो मैकेनिक कहता है पायू ने आपको बताया नहीं, ये सब कुछ आपके लिए फ्री किया गया है और पायू ने सब कुछ अपने आप फिक्स किया है, और यहाँ पे सबको पता है कि तुम पायू के बॉय हो। रेन कहता है नहीं मैं उसका कोई बॉय वगैरह नहीं हूँ, और मुझे क्या पता कि तुम्हारे बॉस ने मेरी कार के साथ क्या वियर्ड काम किया होगा। यहाँ पर उसे मैकेनिक कहता है तो तुम्हें हमारे बॉस के बारे में पता नहीं है क्या। वो उसे एक बाइक दिखाता है, कहता है वो काफ़ी बड़े पर्सन की बाइक है, वो सिर्फ अपनी बाइक को ठीक कराते हैं पायू से ही, और पायू जिस भी कार या बाइक को टच करते हैं वो बहुत अच्छे से काम करती है। फिर पी पायू बहुत एक्सपर्ट है इन कामों में और काफ़ी तारीफें करता है और कहता है क्या तुम अब हमारे पी पायू के बॉय बनना चाहोगे। यहाँ पे उसे कुछ नहीं बोलता रेन और हंसने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं वो मैकेनिक जाता है पायू के पास और कहता है आपका बॉय आया था और चला गया, और आपने बिल्कुल सही कहा था कि वो आपसे नहीं मिलेगा, ऐसा आपने उसके साथ क्या किया है। यहाँ पे पायू कहता है मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है, और वहाँ से चला जाता है। वो मैकेनिक कहता है इसका मतलब यह है कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। उसके बाद हमें उस रात का मोमेंट दिखाया जाता है जब रेन बेड पे सो जाता है तो उसकी तरफ देखता है पायू और कहता है मैंने तुम्हें पसंद करना शुरू कर दिया है, अगर साईफाई ने यह सुना होता तो वो तुम्हारे लिए सॉरी फील करता। यहाँ पे हम देखते हैं जो रेन होता है ना वो टर्न कर लेता है पायू की तरफ और उसे हग कर लेता है। तो यहाँ पे उसे पायू भी हग कर लेता है और कहता है सच में मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ रेन। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।